25,000 रुपए के अंदर Realme का एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया, Realme 13 Plus। तो आज इस फोन को Vivo T3 Pro से कंपेयर करने वाले हैं। दोनों फोन 25,000 रुपए के अंदर आते हैं, दोनों फोन एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी देते हैं। कुछ क्वालिटी आपको Vivo T3 Pro में देखने को मिल जाएगी तो कुछ क्वालिटी Realme 13 Plus में देखने को मिल जाएगी। पर दोनों फोन में से बेटर कौन सा है वो हम इस वीडियो में टेस्ट करते हैं। पर सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जितने भी फोन के वीडियो मिलते हैं वो फोन हम खुद से बाय करते हैं, तो जो रियल टेस्ट करते हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए दोनों फोन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। Realme 13 Plus का प्राइस 23,000 रुपए, डिस्काउंट के साथ ये 21,000-20,000 रुपए तक आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं Vivo T3 Pro 25,000 रुपए का फोन है, डिस्काउंट के साथ 22,000-23,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। पर फिलहाल की कंडीशन में ये फोन आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन मिल जाएगा पर थोड़ा प्राइस ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब हम डिजाइन पर आते हैं, तो डिजाइन में काफी फर्क देखने को मिलेगा। Realme का फोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, वहीं Vivo T3 कर्व डिजाइन के साथ आता है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। बिल्ड क्वालिटी में Vivo के फोन में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है और वीगन लेदर की क्वालिटी काफी बढ़िया वाली है। Realme प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, पर जो प्लास्टिक है वो मैट फिनिश में आता है, जिससे फोन को टच करने में या उसको हाथ में रखने में थोड़ा अच्छा फील होता है। बैक साइड में दोनों फोन की कैमरा डिजाइन देख सकते हैं, काफी बड़ा बंप देखने को मिलेगा, डिजाइन काफी बढ़िया है। दोनों फोन के कैमरा डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि कैमरे की क्वालिटी काफी बढ़िया होने वाली है, पर वो कैसी होगी उसको हम आगे देखेंगे। फ्रंट से दोनों फोन को देखते हैं, तो यहाँ पर Realme का फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और Vivo का फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। बेजल दोनों फोन में काफी कम देखने को मिलते हैं। दोनों फोन में 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले को लेकर कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन काफी बढ़िया डिस्प्ले के साथ आते हैं। कलर एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, दोनों डिस्प्ले काफी ब्राइट है, इंडोर में यूज करो आउटडोर में यूज करो कभी भी लो ब्राइटनेस वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Realme का फोन 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, Vivo का फोन 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अब यहाँ पर पीक ब्राइटनेस को देखकर काफी ज्यादा डिफरेंस आपको लग रहा होगा, पर प्रैक्टिकली दोनों फोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे लगभग सेम ही लगी है। YouTube पर दोनों फोन 4K वीडियो आराम से प्ले कर देते हैं, लैगिंग जैसा इशू कोई फील नहीं होता है। HDR भी YouTube पर दोनों फोन में मिल जाता है, पर Amazon Netflix पर HDR का सपोर्ट सिर्फ Vivo के फोन में देखने को मिलता है। दोनों फोन के हैप्टिक काफी बढ़िया है, पर Vivo के हैप्टिक को थोड़ा बेटर बोल सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों फोन में मिल जाता है, दोनों फोन में स्कैनर की पोजीशन नीचे की साइड है और दोनों फास्ट है, पर Vivo में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है। बाकी दोनों फोन में कई प्रकार के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दोनों फोन में मिल जाता है, पर यहाँ पर Vivo के साथ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है वो ऑलवेज वाला नहीं आता है, सिर्फ जब टच करते हैं तब वो काम करता है। वहीं Realme में प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर देखने को मिल जाता है, पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दोनों फोन में है, आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो। डुअल स्टीरियो स्पीकर दोनों फोन में मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों फोन में नहीं है और स्पीकर क्वालिटी दोनों फोन की ओके है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं, पर Realme के फोन का स्पीकर मुझे ज्यादा बेहतर लगे। मैं आपको एक बार दोनों फोन का साउंड चेक करा देता हूँ। दोनों फोन में IP रेटिंग मिल जाती है, Realme के साथ IP65 और Vivo के साथ IP64 की, तो दोनों फोन डस्ट से तो बच जाएंगे पर पानी से इसे आपको बचाना पड़ेगा। अब दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, दोनों में काफी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। Realme के साथ Dimensity 7300 चिपसेट देखने को मिलता है, जिसका एंटूटू स्कोर 6.5 लाख के आसपास आता है। वहीं Vivo के साथ Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है, जिसका एंटूटू स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। तो एंटूटू स्कोर के हिसाब से तो दोनों फोन में डिफरेंस है, पर रियल में कैसा एक्सपीरियंस है? तो नॉर्मल यूज में तो आपको इतना फर्क समझ नहीं आएगा, दोनों फोन बढ़िया काम करते हैं, ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, पर हाई लेवल परफॉर्मेंस में हल्का फुल्का फर्क देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम गेमिंग की बात करते हैं, तो हमने दोनों फोन में 1 घंटे तक BGMI प्ले करके देखा। यहाँ पर BGMI में Realme के साथ एक प्लस पॉइंट आता है, इसमें 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और Vivo में मैक्सिमम 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। और गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इतना फर्क तो देखने को नहीं मिला, गेमिंग के दौरान ऐसा फील भी नहीं हुआ कि कोई सा फोन स्लो परफॉर्म कर रहा है या लैगिंग इशू देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से गेमिंग दोनों फोन में मुझे लगभग बराबर ही देखने को मिली है। हाँ, Realme के साथ 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये इसके साथ एक प्लस पॉइंट है। अब दोनों फोन की परफॉर्मेंस को और चेक करने के लिए हमने दोनों फोन से 4K वीडियो रेंडर करके देखा और यहाँ पर Realme 13 Plus काफी बड़े मार्जिन से आगे निकल जाता है। तो ऐसा इशू मैंने Snapdragon 7 Gen 3 के और फोन में भी देखा है। मुझे ऐसा लगता है 7 Gen 3 एक फास्ट चिपसेट है एंटूटू स्कोर के हिसाब से, पर उसको इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज नहीं किया है और भी
फोन जैसे OnePlus Nord C4 में हम देख सकते हैं, उसमें भी ये इशू देखने को मिला है। बाकी दोनों फोन का थ्रोटल टेस्ट भी किया, वहां पर Vivo ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। आधे घंटे के CPU थ्रोटल टेस्ट में Realme का 77% का रिजल्ट आया, वहीं Vivo का 91% का रिजल्ट आया, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। पर रियलिटी में रीहीटिंग की बात करें तो दोनों फोन हीट नहीं होते हैं। हाँ, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो Realme में हल्का हीटिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं। UFS स्टोरेज में Realme आगे निकल जाता है, Realme में 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, Vivo में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। RAM दोनों में सेम LPDDR4X देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme में Android 14 बेस्ड Realme UI देखने को मिल जाता है और Vivo में Android 14 बेस्ड FunTouch OS देखने को मिल जाता है। दोनों में सॉफ्टवेयर सपोर्ट 2 साल के और सिक्योरिटी अपडेट 3 साल तक देखने को मिल जाएंगे। और अपडेट के मामले में Vivo और Realme काफी बढ़िया काम करते हैं, जो अपडेट देने का वो प्रॉमिस करते हैं वो मिलते जरूर हैं। पर यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में दोनों फोन के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पर Realme में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें एड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ब्लोटवेयर तो दोनों फोन में, पर Vivo के साथ जो ब्लोटवेयर आते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट ब्लोटवेयर आते हैं जिनको हम बाद में इंस्टॉल करते ही हैं, तो वो जरूरत के रहते हैं। पर Realme के फोन में इतने घटिया वाले ऐप और गेम देखने को मिल जाते हैं जिनको नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, तो इन सबको डिलीट करना पड़ेगा। वहीं ऐप सजेशन में भी Vivo में इतना ऐप सजेशन देखने को नहीं मिलता है, Realme में जगह जगह पर ऐप सजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अभी तक हमें हॉट ऐप्स हॉट गेम के फोल्डर देखने को मिलते थे, तो वो दोनों फोन में देखने को मिल जाएंगे। पर इस बार Realme के फोन में दो और फोल्डर देखने को मिल रहे हैं, मोर ऐप्स और मोर प्ले करके, और इन पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐप तो ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं और कुछ ऐप आपको इंस्टॉल होने के लिए सजेस्ट करते हैं। ये दोनों फोल्डर में मुझे देखने को मिला है, तो इन सबको आपको सेटिंग में जाकर डिसेबल करना पड़ेगा। पर ये जिसको नॉलेज है वो तो कर लेगा, पर जो एक आम इंसान है वो इन सबको डिसेबल नहीं करेगा, और ऐप डाउनलोड करने को बोला जाएगा तो वो डाउनलोड भी कर लेगा। इसके अलावा भी जब हम फोन को पहली बार रिसेट करते हैं वहां पर भी बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है Realme के फोन में। बाकी एड्स ब्रॉडवेयर को साइड कर दें तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों फोन का बढ़िया है, किसी को बेटर नहीं बोला जा सकता। लगभग सेम फीचर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, दोनों फोन में ऐप ओपनिंग भी फास्ट हो रहे हैं। दोनों में हमने टेस्ट करके भी देखा, कभी Realme के फोन में जल्दी ओपन हो जा रहा है तो कभी Vivo के फोन में जल्दी ओपन हो जा रहा है। एनिमेशन भी दोनों फोन में ठीक देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरे की। दोनों फोन में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। फोटो की बात करें तो दोनों फोन बढ़िया फोटो क्लिक कर देते हैं, दोनों में डिटेल भी काफी बढ़िया देखने को मिलती है, पर Vivo के फोन में हल्की डिटेल मुझे ज्यादा फील हुई। Realme का फोन थोड़े कलर बूस्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखाता है और हल्का सा फेस पर येलो टोन दिखता है। वहीं Vivo के फोन में कलर बूस्ट तो नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट भी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर फोटो थोड़ी ब्राइट क्लिक करता है, स्पेशली जब ह्यूमन सब्जेक्ट हो तो वहां पर फेस को थोड़ा ज्यादा ब्राइट कर देता है। तो नेचुरल फोटो या नेचुरल कलर से दोनों फोन थोड़ा सा दूर है। बाकी पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो वहां पर मुझे Vivo का फोन बेहतर लगा है। Realme के फोन में कई इशू देखने को मिले, एक तो मेन इशू एज डिटेक्शन में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है और फोटो में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। दोनों फोन में 1x के अलावा 2x पर भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है और वहां पर भी Vivo का फोन काफी बढ़िया फोटो क्लिक कर रहा है। अब हम अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करते हैं तो Realme में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है, Vivo के फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक फोटो क्लिक कर देता है, जूम करके देखोगे तो इतनी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी, पर बिना जूम करे फोटो देखने में ठीक लगती है। दोनों फोन से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, काफी बढ़िया रिकॉर्डिंग दोनों फोन कर देते हैं। बाकी OIS का सपोर्ट से Vivo के फोन में देखने को मिलता है, पर Vivo के फोन में भी 4K पर OIS इतना अच्छा काम नहीं करता है। हाँ, 1080 पर OIS बढ़िया काम करता हुआ दिखता है। दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सेल्फी को लेकर दोनों फोन मुझे बराबर ही लगे हैं। किसी फोन में अगर डिटेल भी हमने जब कंपेयर करी तो कभी Realme के फोन में ज्यादा डिटेल देखने को मिल रही थी, कभी Vivo के फोन में ज्यादा डिटेल देखने को मिल रही थी। ओवरऑल दोनों फोन का सेल्फी कैमरा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। बाकी फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, दोनों में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, 1080 30fps से ही काम आपको चलाना पड़ेगा। अब कुछ दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं तो Realme में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट सभी के लिए तो नहीं, पर मुझे ये लगता है कि इसमें हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो वायर वाले ईयरफोन से गेमिंग करते हैं तो काफी बढ़िया एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा आयर ब्लास्टर दोनों फोन में देखने को नहीं मिलते हैं, डुअल माइक दोनों फोन में मिल जाएंगे, NFC का सपोर्ट भी दोनों फोन में देखने को नहीं मिलता है, पर मेरे हिसाब से ब्रांड्स को इस प्राइस में NFC देना चाहिए। तो बैटरी पर आते हैं, Realme के फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है, Vivo के फोन में 5500mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग दोनों फोन में 80 वॉट की मिल जाती है, तो एक घंटे के अंदर दोनों फोन आराम से चार्ज हो जाएंगे। पर बैटरी बैकअप में मुझे यहाँ फर्क देखने को मिला, Realme का बैटरी बैकअप सही है पर Vivo का बैटरी बैकअप मुझे बहुत अच्छा लगा है। नॉर्मल यूज हो, गेमिंग हो, हर जगह Vivo का बैटरी बैकअप मुझे पसंद आया है। अगर हम गेमिंग की बात करें, जब हमने एक घंटे तक गेमिंग करी थी तो Realme के फोन में 17% का बैटरी रन हुआ था और Vivo के फोन में सिर्फ 12% का, तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि बैटरी बैकअप में कितना फर्क है। पर ऐसा नहीं है कि Realme का बेकार है। तो ये था इन दोनों फोन का कंपैरिजन, हमने जो भी टेस्ट किया था वो आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपके मन में सवाल आता है कि कौन से फोन को बाय करना चाहिए, तो देखिए दोनों फोन में प्राइस का फर्क है, लगभग 2000 का फर्क देखने को मिल जाएगा, तो
अगर वीवो ज्यादा कंडीशन में आगे निकलता है तो प्राइस एक बड़ा मैटर हो जाता है। बाकी रियलमी भी कम प्राइस में बहुत सी क्वालिटी लेकर आता है, पर ओवरऑल बोला जाए तो रियलमी फिर भी ओवर प्राइस है, क्योंकि रियलमी में जो चिप देखने को मिलता है वो 15,000 से 18,000 रुपए के फोन में देखने को मिल जाता है। तो रियलमी के फोन को थोड़ा ओवर प्राइस बोला जा सकता है। बाकी आपकी चॉइस है आपको कौन सा फोन बाय करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।